तेजस्वी यादव ने बताया कौन होगा गठबंधन में प्रधानमंत्री। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर कहा, यह चुनाव किसी व्यक्ति विशेष को पीएम बनाने का नहीं है, अपितु यह चुनाव देश को एवं संविधान को बचाने का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, उनका लक्ष्य है भारत के संविधान को बचाना और भाजपा को हराने वाले को उनका समर्थन संवेद रहेगा। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, यह चुनाव केंद्र नरेंद्र मोदी और भारत की जनता के बीच है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जितने भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। भारत की अर्थव्यवस्था को खराब स्थिति में बढ़ाते हुए तेजस्वी ने केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं न्यायालय में शपथ लेने को तैयार हूं कि दोबारा वह चाचा नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, बिहार में निरंतर बढ़ रहे अपराध के जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस को पैन इंडिया पार्टी बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, मजबूत क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा, आरजेडी बिहार और झारखंड में ही चुनाव लड़ती है। बिहार में सबको पता है कि बीजेपी को हराने के लिए कौन सी पार्टी सक्षम है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, अब प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा बनारस से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने दावा किया, 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।